आज राजस्थान के जिला झुंझुनू के ग्राम चवारा में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर विद्युत विभाग के जेई एन श्री अजय जांगिड़ व सुनील गोदारा और टेक्निकल हेल्पर राजकुमार सैनी, जयप्रकाश सैनी, महेंद्र गुज्जर, सुमेर सैनी, अनिल चौहान समेत कई लोगों द्वारा वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर परिसर में स्थित बालाजी महाराज के मंदिर में हवन व भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर विद्युत कर्मियों ने जनता को संदेश दिया कि बिजली बचाएं, बेटी बचाएं तथा वृक्ष बचाएं तथा आम आदमी से वृक्ष लगाकर समय समय पर उनके देखभाल करने की अपील भी की। आज समाचार एक्सप्रेस स्थित प्रॉपर्टी के अंतर्गत पहुंची है। यहाँ जीएसएस के अंदर वृक्षारोपण किया गया है, हवन किया गया है, सुहावणी का प्रोग्राम है। इनसे यहाँ की व्यवस्था के बारे में, बिजली के बारे में, कहाँ का सप्लाई होती है, किस प्रकार से करते हैं, पूछताछ करते हैं। मैं चौरा जीएसएस से महेंद्र सिंह, तकनीकी सहायक। यहाँ बता रहे हैं कि पिछले वर्ष बालाजी का निर्माण किया गया। हर वर्ष की बात है, जैसे ही बालाजी का निर्माण हुआ है, यहाँ स्वामिनी का आयोजन किया जाता है। जनता के सहयोग से बालाजी का निर्माण करवाया गया, स्वामिनी का आयोजन किया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है। आज सुबह हवन किया गया स्वामिनी। जगह कौन सी है? चौरा जीएसएस मोरिंडा धाम के पास। अच्छा, जिसमें हवन किया गया, वृक्षारोपण किया गया और जनता का फुल सहयोग होने की वजह से यहाँ पे हर वर्ष की बात ही वृक्षारोपण किया जाता है। पेड़ कितने पेड़ लगाए? आज कम से कम 50,000 पेड़ जीएसएस के अंदर लगाए। यहाँ पर और पेड़ भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन लाइन के होने की वजह से पेड़ पौधे इतने अधिक नहीं लगाए जा सकते। लेकिन बाहर की तरफ एक बार कौन करेगा पेड़ लगाने से? देख रेख के लिए यहाँ पे कर्मचारियों का लगभग पानी डालना और खुदाई निराई गुड़ाई करना है, उनका काम कर्मचारी करते रहते हैं और पहले से पेड़ है वो अच्छे हो रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।